हो जाती है जब हिंदुस्तान में किसी एक बच्ची के साथ कुछ होता है गलत, लेकिन यहाँ की मौजूदा सरकार को नहीं मालूम है, या मालूम होने के बाद वो अनजान बने हुए हैं, उनके मुंह में जबान नहीं है, उनके कान सुनाई नहीं देता है, उनकी आंखें बंद हैं, गांधी जी के तीन बंदरों की तरह वो अकेले काम कर रहे हैं। एक बच्ची है संजलि, जिसका किन्हीं दो लोगों ने जो है पेट्रोल डाल करके उनको आग लगा दी, उसका इंतकाल हो गया, लेकिन अभी तक के उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। अफसोस इस बात का नहीं है कि उसको आग लगा दी, अफसोस इस बात का है कि उसके बाद पूरे गांव में ये दहशत है, लोगों ने अपनी बच्चियों को स्कूल जाने से मना कर दिया बिल्कुल, कि अब हमें डर लग रहा है अपनी बच्ची के साथ। अब कैसे हम अपनी बच्ची को स्कूल भेजें, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा हम अपनी बच्ची को स्कूल नहीं भेजेंगे। ये कितनी शर्म की बात है कि अब लोग डरने लगे अपनी बच्चियों को, फिर वही पुरानी बात आ जाएगी कि अपनी लोग बच्चे बच्चियां पैदा करने से पहले डरेंगे लोग, अगर इसी तरह हालात रहे। आप देखिए आसिफा के साथ क्या हुआ, संस्कृति राय को लखनऊ में रेप करके मार दिया गया। आप देखिए कि संजलि के साथ क्या हुआ, और उसी की कड़ी में देखिए कि यूजीसी का नेट अभी 21 तारीख को था और हमारी बहन को जो है रोक दिया गया सेंटर में, इसलिए क्योंकि वो नकाब पहन करके गई थी, वो अबाया लगा करके गई थी। सुप्रीम कोर्ट भी ये चीज वर्डिक्ट देती है और कॉन्स्टिट्यूशन हमें इजाजत देता है हम क्या पहने क्या खाएं को, अगर वाकई में इस चीज को डिनाई करना था तो सबसे पहले एडमिट कार्ड में साफ साफ लिख लेते कि हाँ नहीं टी शर्ट पहन करके और जींस पहन करके और नंगे होकर के, या जो है सिर्फ अंडर गारमेंट्स पहन करके तब आप एंट्री करते, आप ये गाइडलाइन लिखते। जब आपने गाइडलाइन नहीं लिखा तो राइट फंडामेंटल राइट का हनन हुआ। तो इस बात के लिए अफसोस, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने इस बात को दायर किया। एक बहुत सारी चीजें हैं, आप बार बार प्रोटेस्ट, इससे पहले देखा कि दो दिन पहले प्रोटेस्ट हुआ कश्मीर के फेवर में, लोगों ने और मीडिया ने यह भी चलाया कि देखिए पत्थरबाजों के फेवर में, पत्थरबाजे नहीं आम इंसानों को मारा गया वहां के, एक 8 साल के बच्चे की क्या गलती थी, वो पत्थर नहीं चला रहा था, एक बाहर से बच्चा आया था घूमने के लिए अपने कश्मीर, अपनी बीवी को लेकर के आया था, उसको मार दिया गया। तो बहुत अफसोस है, नसीरुद्दीन शाह ने जो बात कही थी वही डर, अगर अब कहा जाए कि इनकी बात को तायद किया जाए तो ये बात सच है कि उस गांव वालों से पूछिए जो अपनी बच्चियों को नहीं भेज पा रहे हैं, उनसे पूछिए कि तब तो नसीरुद्दीन शाह साहब की बात बिल्कुल फैक्ट हो रही है कि लोग डर गए हैं एक बच्ची को जलाने से कि आप स्कूल नहीं भेज रहे, यानी कि डर है, कहीं ना कहीं डर है आसिफा के फैमिली वालों को, कहीं बयान अगर नहीं पलटे तो मार दिए जाएंगे, डर है संस्कृति राय के लोगों को जिन्होंने रेप किया था उनके घर वालों से पूछे जाकर के, डर है सुबोध कुमार के घर वालों से पूछिए कैसे नहीं बात करते, हम अपनी आइडेंटिटी से डरते हैं कि बात अगर अभी बताएंगे कैसे मोब लिंचिंग कर दी जाती है भीड़ कर, और यहाँ सरकार उसका गाय को पहले बचा रही है इंसान को नहीं बचा रही है। और एक चीज सबसे बड़ा जो अफसोस इस बात का होता है, प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे धमकी मिली है, तो उनके जब जेड सिक्योरिटी इतने पूरा अमला दमला पूरा हिंदुस्तान की सिक्योरिटी उनके पीछे है तो उनको डर है, लेकिन नसीरुद्दीन शाह अगर कह दे, एक आम आदमी कह दे कि मुझे डर है तो